अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त जुगनू जान और आप देख रहे हैं जुगनू फूड तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद जो दोस्त वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल बटन को भी दबा दें दोस्तों आज जो हम रेसिपी बनाएंगे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इस मौसम में ये चटनी बेहद मज़ेदार लगती है आप इसको मछली के साथ ट्राई करें आपको इनशाला बहुत ही मज़े की लगेगी ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है मैं अपने रेस्टोरेंट पे भी ये यूज़ करता रहा हूँ और इसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त है बहुत दूर दूर से लोग मेरे रेस्टोरेंट पर यह चटनी खाने के लिए आते थे ये चटनी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम सूखा हुआ जो आलू बुखारा होता है उसको तकरीबन दो घंटे भिगो के रखा था उसको बहुत अच्छे से वाश करना है बुखारा आप जब लेंगे तो इसमें एक, एक किरक होती है कुछ रेत होती है अगर आप इसको अच्छे से वाश नहीं करेंगे तो वो आपकी चटनी में खाते हुए महसूस होगी अच्छी तरह वाश करने के बाद दो घंटे हमने पानी में इसको भिगो के रखा और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे जी बिल्कुल इसको हम जूसर में ब्लेंड कर लेंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे सिरके के अंदर थोड़ा सा सिरका लेना है तकरीबन आधा कप के करीब हमने सिरका लेना है और आधा कप ही तकरीबन पानी लेना है और इसको हमने ब्लेंड करना है इसको बिल्कुल भी पकाया नहीं है हमने ज़्यादातर चटनियाँ इसको पकाने के बाद बनती है लेकिन हम इसको पानी में भिगो के सिरके और पानी में इसको ब्लेंड कर रहे हैं ये पानी है हम शामिल कर रहे हैं इस वक्त अच्छा ये आपने ख्याल रखना कि जिस मकदार में जितना जितनी, जितनी थक चटनी आपको चाहिए आप उतना ही पानी इसमें शामिल कर सकते हैं ये कोई लाजमी नहीं है कि आप इसको सिर्फ़ सिरके में ही ब्लेंड करेंगे आधा कप सिरका लेना है और बाकी इसमें पानी शामिल करके अच्छे से ब्लेंड करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है अब हम इसमें दो टेबल स्पून के करीब नमक शामिल करें जी बिल्कुल दो टेबल स्पून ही नमक शामिल किया इससे कम शामिल नहीं किया मैंने और दो टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई मिर्च होती है वो शामिल की है और इसमें हमने शुगर शामिल करनी है 125 ग्राम मैं यहाँ बहुत थोड़ी मकदार में शामिल कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं ये चटनी बना रहा हूँ वो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है तो लेकिन जब आपने ये चटनी बनानी है 250 ग्राम अगर आप बुखारा लेते हैं तो उसमें 125 ग्राम आपने जो शुगर है ना चीनी है वो शामिल करनी है इसी तरह दो टेबल स्पून भर के बड़े जो टेबल स्पून होते हैं आपने ज़ीरा इसको हाथ से क्रश कर लेना है मैश करना है वो इसमें शामिल कर देना पाउडर शामिल नहीं करना आपने और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ये चटनी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इन आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें एक सीक्रेट स्टेप भी है जो आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन आगे जाके मैं वो आपको बताता हूँ कि वो क्या है और वो किस तरह बनाई जाएगी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी थी तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसको दोबारा से मिक्स कर रहे हैं सिरके की मकदार भी इसमें आप ज़्यादा रख सकते हैं जितना ज़्यादा सिरका होगा उतना ज़्यादा टेस्ट निकलेगा और इसमें जो सीक्रेट स्टेप ये है कि इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब केचप शामिल किया है अच्छे ब्रांड का केचप लेना है सिर्फ केचप लेना है आपने चिली गार्लिक सॉस वग़ैरह नहीं डालना सिर्फ जो सादा टमाटो केचप होता है वो इसमें शामिल कर दिया आधा कप और वो शामिल करने के बाद भी इसको अच्छी तरह मिक्स किया अब हम इसमें तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून के करीब जो पुदीने के पत्ते होते हैं मिंट लीव्स उसको बारीक चॉप करके वो शामिल करें और इसको मिक्स करें इसको बहुत ज़्यादा आपने फाइन पेस्ट बनाकर शामिल नहीं करना सिर्फ़ इतना करना है कि इसकी खुशबू इस चटनी में आ जाए इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़